डिशवॉशर क्लीन मेट एक्सेल, इसमें ये जो डिशवॉशर है इसमें आपको तीन चीज चाहिए होता है इसको वॉशिंग करने के लिए। फर्स्ट होता है आपका डिटर्जेंट, फिर होता है सॉल्ट, फिर होता है रिंस लिक्विड। तो ये जो आपका जो सॉल्ट है ये आपको यहाँ पे डालना है, ये जो कैप है इसको आप ऐसे खोल सकते हैं, फिर खोल के इसमें आपको सॉल्ट डालना होता है, फिर उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर भी डालना होगा, फिर उसको बंद कर देना है। फिर आपका आता है डिटर्जेंट, आप यहाँ पे आपका डिटर्जेंट यहाँ तक आपको देना है। फिर हो गया रिंस लिक्विड, आपका ये जो काला लेवल आप देख रहे हैं यहाँ तक आपको रिंस लिक्विड देना है। इसमें बाय डिफॉल्ट ये जो एरो है बाय डिफॉल्ट 4 पे सेट किया रहता है, आप यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक इसका रेंज है, आप जितना ज़्यादा पे आप सेट करोगे उतना ज़्यादा आपका शाइन होगा। ये रिंस लिक्विड दिया जाता है मेनली शाइनिंग के लिए, बर्तन में शाइनिंग लाने के लिए ये रिंस लिक्विड दिया जाता है। डिटर्जेंट हो गया आपका वॉशिंग के लिए, और ये जो सॉल्ट है ये हो गया आपका वाटर का हार्डनेस घटाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका अपर ट्रे, इसमें आपका जो सब बर्तन का वेट थोड़ा हल्का होता है जैसे ग्लास आइटम हो गया या फिर कप हो गया प्लेट हो गया वो सब बर्तन यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और नीचे थोड़ा भारी टाइप का जैसे पैन हो गया फ्राइंग पैन हो गया वैसे टाइप का भारी सर्विंग डिशेज जो होता है भारी टाइप का वो सब चीज़ आपको लोअर ट्रे में देना है। ये हो गया आपका कटलरी बॉक्स, इसमें आप लोग आपका जो चम्मच हो गया नाइफ हो गया ये सब आप ऐसे दे सकते हैं। नाइफ का जो हेड होगा वो ऊपर रहेगा और उसका जो एंड रहेगा वो नीचे रहेगा। अब आते हैं इसका ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग करने में ये हो गया आपका ऑन ऑफ बटन, ये हो गया आपका 7 प्रोग्राम जिसमें है इंटेंसिव नॉर्मल इको ग्लास 90 मिनट्स रैपिड सोक। हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग टाइम लिया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट इको मोड में मशीन स्टार्ट होता है। तो हम लोग अगर देखते हैं कितना टाइम लगता है, जैसे हो गया ये हो गया इंटेंसिव मोड, इसमें आपका 2 घंटा 40 मिनट, नॉर्मल में आपका हो गया 3 घंटा, इको में हो गया 3 घंटा 5 मिनट, ऐसे ऐसे करके हर एक मोड में अलग अलग टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हर एक मोड का हम लोग काम देखें, इंटेंसिव में आपका जैसे हो गया बहुत ही रिच खाना हुआ आपका या फिर बर्तन में जो सब्जी या तेल वेल जो भी है वो अगर एकदम चिपका हुआ है तो वो आप इंटेंसिव मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल में क्या होगा आपका थोड़ा कम ऑयली या फिर कम रिच खाना आपका नॉर्मल में होगा। इको हो गया आपका बाय डिफॉल्ट मोड, इसमें आपका ये दो मोड से पावर भी थोड़ा कम लगेगा और वाटर कंजम्पशन भी कम होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका जो डेली का जो सब चीज़ है जो सब आप डिनर या लंच में यूज़ करते हैं वो सब बर्तन आप इसमें यूज़ धो सकते हैं। फिर आता है ग्लास, ये जो मोड है ये मोड में ओनली ग्लास आइटम्स, ठीक है। और ये हो गया 90 मिनट्स, आपको अगर नॉर्मल डेली का चीज़ बहुत जल्दी धोना है तो आप ये 90 मिनट्स मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हो गया रैपिड, रैपिड में आपका जो डेली का चीज़ है उसको अगर धो के तुरंत फिर से यूज़ करना है तो ये मोड आपका आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी मोड है इंटेंसिव से लेकर 90 मिनट तक ये सब मोड में आपका बर्तन जो है वो सूख के निकलता है, लेकिन ये जो रैपिड है इसमें आपका सूखता नहीं है तो आप धो के तुरंत फिर से यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सोक, इसमें बहुत ही हल्का है जैसे थोड़ा सा यूज़ हुआ है फिर उसको धोना है तो आप ये मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए सबसे टाइम भी सबसे कम लगता है 15 मिनट। तो ये होगा हर एक मोड का इस्तेमाल। अब आते हैं ये सब बटन, ये जो बटन दिख रहा है ये हो गया डिले फंक्शन। इसमें क्या होता है आपको अगर कुछ देर बाद आपका मशीन चलाना होता है जैसे आपको 2 घंटे बाद चलाना है या फिर कुछ आपको किसी काम है कुछ देर बाद चलाना है तो आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं। इसमें देखिए H01 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 1 घंटा डिले। तो ऐसे करके आप 24 घंटा तक मतलब एक दिन तक आप डिले टाइमर सेट कर सकते हैं। डिले टाइमर सेट कीजिए, फिर आप यहाँ पे आप प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए जो भी प्रोग्राम आपका सूटेबल है, फिर स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप जितना टाइम डिले सेट किया उतना टाइम के बाद मशीन स्टार्ट होगा। ये जो बटन है ये हो गया हाफ बटन, जैसे आपका बर्तन बहुत ही कम है तो आप ये हाफ मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हाफ मोड है ये आपका इंटेंसिव से लेकर 90 मिनट तक ये एप्लीकेबल है, रैपिड और सोक में ये हाफ मोड एप्लीकेबल नहीं है।
तो आपका अगर बर्तन कम है तो आप हाफ मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका पावर कंजम्पशन भी कम होगा, आपका वाटर कंजम्पशन भी कम होगा। अब आते हैं ये दो बटन, ये जो बटन है जो रेड कलर अभी ब्लिंक कर रहा है, इसमें ये है रिंस लिक्विड का इंडिकेटर। अगर रिंस लिक्विड नहीं रहा तो ये बटन इंडिकेट करेगा। और ये हो गया सॉल्ट के लिए, अगर सॉल्ट नहीं रहा प्रॉपरली तो ये बटन इंडिकेट करेगा। और ये जो बटन है ये हो गया आपका चाइल्ड लॉक। तो चाइल्ड लॉक आप कैसे करेंगे, ये जो दो बटन है इसको अगर आप साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखेंगे तो चाइल्ड लॉक होगा। जैसे देखिए अभी ये जो बटन है ये जल रहा है, तो मतलब क्या अभी चाइल्ड लॉक होगा, अभी कोई भी बटन काम नहीं करेगा। अनलॉकिंग भी सेम है, आप ये दो बटन फिर से प्रेस करके रखिए तो अनलॉक हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब आप हाफ मोड सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला बटन जलेगा। और यहाँ पे और एक टैप साइन है, तो ये कब इंडिकेट करेगा, आपका अगर जो इनलेट का पानी है वो अगर नहीं आ रहा है या फिर उसका पानी का प्रेशर कम है तब ये इंडिकेट करेगा। और कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको इको मोड में चलाना है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको इको मोड सिलेक्ट करना है फिर स्टार्ट करना है, कुछ देर बाद मशीन चालू होता है। आपको अगर बीच में पॉज करना है तो आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं, ये हो गया पॉज बटन, फिर से आपको स्टार्ट करना है तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं।